धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो उठो चलो। गोवा की इस पावन भूमि से जो आयोजित किया गया हिंदू जनजाति समिति द्वारा अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन, मेरे को मौका देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धर्मांतरण हो रहा है क्यों? हम जिस प्रांत से आए हैं, उड़ीसा के पश्चिम उड़ीसा से, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये तीनों प्रांत 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर का फासले है, और जो शहर है राउरकेला स्टील प्लांट सील सिटी अंडर सेल में है, जिसमें मिनी इंडिया बोला गया, हर भाषा हर धर्म के आदमी वहाँ रहते हैं। आज से मैं जब प्रैक्टिस शुरू किया 25 साल पहले, सरकारी कागज़ में एक था पाकिस्तान कॉलोनी। आज 2014 तक हम बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट का हिसाब से, कागजात के हिसाब से 6-6 पाकिस्तान कॉलोनी हो गई है। क्यों? नियम क्या बोला है इस्लामी के, छोटे छोटे एक एक लाइन में हम बोलते हैं इस्लाम। इस्लाम क्या हमको शिक्षा देती है? वो बोलती है मुस्लिम कोई भी पैदा हो, कोई भी इंसान पैदा होता है वो मुस्लिम ही है, और उनके माँ बाप ने उसको उसकी अपना पैथ से डेविएट करते हैं, मतलब उससे अलग करते हैं। उनके हिसाब से अगर इस्लाम को कोई कन्वर्शन कर रहा है, इन्वर्शन को इस्लाम में कोई धर्मांतिकरण कर रहा है, तो उसको वो बोलते हैं कि पाप, पाप से वो बचने के लिए आ रहे हैं। और हिदा का हिसाब से, जो अरेबियन कंट्री का हिसाब से, उन लोग बोल रहे हैं अगर इस्लाम से अगर दूसरा कोई धर्मांतिकरण कर रहा है, छोड़ के जा रहे हैं, दूसरा धर्म ग्रहण कर रहा है, वो डेथ पेनाल्टी के लिए वो इम्पोज किया गया। इस हिसाब से ईसाई क्या बोल रहे हैं? ईसाई लॉ बोलता है, लैटिन वर्ड कॉन्वर्स एम, मतलब जिसका नाम है टर्निंग अराउंड और चेंज इन कैरेक्टर, अपनी चरित्र को परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट, मेंटेन वगैरह वगैरह बहुत सारी वर्ड्स है। उन्होंने भी बोल रहे हैं कि अपना धर्मांतिकरण मतलब पाप और रिपेंटेंस, ये दोनों। लेकिन हिंदू जी में क्या बोल रहे हैं? हिंदू में क्लियरली बोल रहे हैं इतने धर्म, अपनी धर्म के हिसाब से हम रिचुअल फॉर्म करते हैं, जो कि सदियों से अपनी धर्म संस्कृति वेदों वेदांतों की आधार पर इसको बोला गया दीक्षा, स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू करना, शुद्धिकरण करना। तो अपनी संविधान में आर्टिकल 25 से 30 तक इसके लिखा गया, जिसमें 25 में विवेक की स्वातंत्र्य, धर्म अवाद्य अवलंबन आचरण और प्रस्तुत, ऐसे करके आर्टिकल 25 से 30 तक लिखा गया। इसमें क्या स्पेशल पॉइंट जो है हमको सोचना है? लिखा तो गया, उसमें स्पेशल चीज़ क्या गया, गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो नॉन हिंदू चीज़ ग्रुप्स हैं वो लोग क्या स्पेसिफिकली एजुकेशन देते हैं, कि गवर्नमेंट का एड सरकारी अनुदान पाने के लिए उनको लिबर्टी है, और वो लिबर्टी वो सिखाते हैं। उन लोगों का बोलना है दी हिंदू जो फेथ वो पूजा करते किसको? राक्षस को, प्रेत को, भूत प्रेत को, इंसान को हत्या दत्मी ये करते सैक्रिफाइस करते हैं, डाउरी डेथ के लिए प्रोत्साहन करते हैं। और मौलवी बिशप जो है धर्म जाजक सब वो लोग बोलते हैं अपनी धर्म के लिए गर्व करो, अहंकार करो, दूसरों को हेट्रेड करो। इतनी सारी चीज़ है जो शिक्षा गलत है, हमेशा के लिए गलत है। हिंदू में कभी ऐसे नहीं बोला गया, लाखों सदियों से जैसे बोला गया
सिंध प्रदेश से हिंदू हुआ और सिंध प्रदेश अभी पाकिस्तान हो गया। इसलिए भाइयों कन्वर्सन जो हो रहा है आप उड़ीसा के बारे में जानते होंगे। एक तो इसके लिए लॉ बनाया गया जो 1967 में उड़ीसा फ्रीडम रिलीजन एक्ट क्यों बनाया गया, भारत स्वाधीन का पहले ब्रिटिश सरकार के प्रोत्साहन में काफ़ी धर्मांतरण हुआ है जिसके चलते स्वाधीनता का बाद 1967 में दिसंबर 13 तारीख को एक लॉ हुई उड़ीसा फ्रीडम रिलीजन एक्ट 1967, लेकिन इंप्लीमेंट हो नहीं पाया उसको। 1968 में सेकेंड नंबर गैजेट में निकला जिसमें स्पेसिफिकली लॉ बोला गया इसका थर्ड धारा में सेक्शन 4 में लिखा गया पनिशमेंट 5 साल का जुर्माना 1 साल जेल। फिर भी खुलेआम वो होने लगा। उस समय में वो 67 का लॉ 1990 तक चला जिसमें फेबरवरी 23 को फिर गैजेट में निकला जिसमें जानकी वल्लभ पटनायक के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय में हुआ। खैर उनका बात क्या हो कि वो जब गैजेट में आ गया तब तक उनका मुख्यमंत्री तो चले गया था। जय तू हिंदू राष्ट्रम। जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया। संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया।